नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज एक पर्टिकुलर बैंक के बारे में। और देखिए, आज बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी बढ़िया तेजी देखने को मिली है, बट इस बैंक में आपको थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है ऊपर के लेवल से। ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया लेवल पे लाई कर रहा था, बट हाल फिलहाल में स्टॉक में देखिएगा, जब से क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं उसके बाद से आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और RBI की तरफ से भी एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है, बहुत बड़ी पेनल्टी लगाई गई है इस पर्टिकुलर बैंक पे। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर अपडेट को एक क्लियर वे में आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, क्या कहते हैं, लर्निंग इज अर्निंग की कॉन्सेप्ट पे आपको आगे बढ़ना है। जब मार्केट में बहुत बढ़िया करेक्शन आया था तो मैंने आपको देखिएगा एक हफ्ते पहले दो शेयर्स बताए थे मेटल सेक्टर के, सेल और NMDC। जब OFS आया था तुरंत आपको NMDC का स्टॉक बताया गया था और सेल आपको बताया गया था जब बढ़िया उसमें 120-119 का लेवल देखने को मिल रहा था। आज आप देखिएगा कितने शानदार रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, आपको एटलीस्ट 15% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं दोनों ही स्टॉक्स में। तो इसीलिए कहते हैं इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो आपने देखा था उससे बेनिफिट हुआ है तो वीडियो के नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज सबसे इंटरेस्टिंग बात करिएगा क्या हुई, तो देखिएगा लगातार मैं आपको एक प्राइस एक्शन स्टॉक प्रोवाइड करा था, आज मैंने आपको तीन प्राइस एक्शन स्टॉक दिए थे क्योंकि मार्केट काफ़ी कंफ्यूज था और एक रेंज में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा IEX में तो बढ़िया मूव आया, IOLCP में रेंज बाउंड रहा, लेकिन लॉरस लैब में एक बढ़िया गिरावट हुई। तो देखिएगा यही एक पर्टिकुलर लर्निंग है कि एवरी डे यू कैन नॉट बी अ परफेक्ट पर्सन, यानी देखिएगा आप हर दिन एक परफेक्शन से काम नहीं कर सकते हैं। कभी देखिएगा आपको चार्ट दिखेंगे तो वहाँ पे अगर डाउनफॉल आ रहा है, डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर भी फोकस करिए। और सीधा सीधा सिनेरियो आपको देखने को मिला लॉरस लैब में, कल बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन स्टॉक आएगा और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, जाके तुरंत ज्वाइन करिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि इस स्टॉक ने एक महीने में आपको -4% के रिटर्न दिए हैं, एक हफ्ते में 3.5% के निगेटिव रिटर्न दिए हैं, और अगर हाल फिलहाल में देखेंगे तो एक साल में 63% के रिटर्न दिए हैं। तो अगर कंपैरिजन कराएंगे अदर बैंक से, तो अदर बैंक के कंपैरिजन में जहां पर आपको कुछ बैंकों ने तो 100% के रिटर्न दिए हैं, कुछ बैंकों ने आपको 80-60% के रिटर्न दिए हैं, तो उस कंपैरिजन में तो ये स्टॉक ने ठीक ठाक रिटर्न आपको बना के दिए हैं। इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न क्या है कि इनके क्वार्टर के रिजल्ट कैसे आते हैं। क्वार्टर के रिजल्ट में अगर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता रहता है तभी आपको आगे भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन क्वार्टर के रिजल्ट यहाँ पे आ चुके हैं जिसमें नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुए थे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी बढ़िया आपको मूवमेंट देखने को मिला था, जिसके बाद से देखेंगे आपको स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, तो देखिएगा स्टॉक में करेक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा वॉल्यूम अप हुए थे उसके बाद आपको देखिएगा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम लो होंगे तो स्टॉक में भी देखिएगा आपको प्रेशर देखने को मिलता है, ऐसा कई सारी वीडियो मैंने आपको बताया भी है। तो जब तक कि अगेन वॉल्यूम अच्छे नहीं आते या फिर एक पर्टिकुलर स्टॉक पर एक पर्टिकुलर जगह पर स्टेबल नहीं होता, तब तक आपको एक पर्टिकुलर रेंज में देखने को मिलेगा ये स्टॉक, वो रेंज भी बताई जाएगी इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गिरावट की आपको वजह पता ही चल गई होगी। अगर आप 3 साल का कंपैरिजन करेंगे किस तरीके से स्टॉक ने रिटर्न बना के दिए हैं, तो रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो डबल डिजिट में देखने को मिलेगी, ऑपरेटिंग ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो आपको डबल डिजिट देखने को मिलेंगी, और नेट प्रॉफिट में काफ़ी शानदार इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा है, बैंक कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर रहा है, लेकिन देखिएगा पैंडेमिक का समय है, कोई भी बैंक अगर प्रोविजनिंग को हाई करता है तो उसके नेट प्रॉफिट कम हो जाते हैं, और सेफेस्ट जोन लेके नहीं चलता है तो आपको पता है कि आने वाले टाइम में किसी एक पर्टिकुलर क्वार्टर में काफ़ी बढ़िया फॉल देखने को मिलता है। तो इसीलिए लगातार कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपने ये बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ये जो अपडेट है केवल शॉर्ट टर्म का अपडेट है और इसीलिए आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पर नेट कैश फ्लो है जो उसमें देखिएगा काफ़ी डाउन ट्रेंड देखने को मिला है।
अगर यहाँ से सिनेरियो अप ट्रेंड आता है आने वाले टाइम में, अगर ये नेट कैश फ्लो भी अगर इम्प्रूव होता है तो बैलेंस शीट में काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी। अगर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट में आपको काफ़ी बढ़िया मजबूती देखने को मिलेगी, तो ये एक बड़ी चीज़ है जहाँ पे आपको फोकस करना है। इस बैंक में अगर आपकी निगाहें हैं तो इस पर्टिकुलर बैलेंस शीट पे आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो इम्प्रूवमेंट तो आप देख ही सकते हैं किस तरीके के इम्प्रूवमेंट हैं। अभी मैंने आपको दिखाया 150%, तो नो डाउट देखिएगा यहाँ पर किस तरीके के रिटर्न आ रहे थे और अब किस तरीके के नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट में नो डाउट पिछले कुछ सालों में इन्होंने काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट करा है, काफ़ी बढ़िया मार्केट शेयर भी बना लिया है इस पर्टिकुलर बैंक ने। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे तो वहाँ पर भी देखिएगा काफ़ी बढ़िया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप बात करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो पिछले क्वार्टर में काफ़ी अच्छे रिजल्ट थे, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो अभी डाउनफॉल आया है, ईपीएस में भी आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें शॉर्ट टर्म के लिए ट्रिगर करती हैं। देखिएगा सीधा रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है, 4-5% की स्टॉक में एक महीने में गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको फोकस करनी चाहिए, क्योंकि देखिएगा मैक्सिमम लोग एनालिसिस कर देते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे शॉर्ट टर्म पे फोकस नहीं करना होता है, वो लॉन्ग टर्म पे करना होता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो आपको फोकस करना होता है फॉर द शॉर्ट टर्म, तो वहां पर अभी इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि प्रोविजनिंग हाई हुई है। अब अगर आप बात करेंगे तो पर्टिकुलर बैंक, जिस बैंक की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक देखिएगा 750, 760, 770 के लेवल पे आपको देखने को मिला था, और वहां से अगर आप देखेंगे तो एक महीने में तकरीबन आपको 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी ये पर्टिकुलर बैंक अगर आप देखेंगे तो आपको प्रेशर में देखने को मिल रहा है। तो अपडेट क्या है ये जान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपडेट देखेंगे तो अपडेट यहाँ पर आप चेकआउट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि RBI ने 5 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। अब आप कहेंगे सर 5 करोड़ तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन देखिएगा चोरी बड़ी करिए छोटी करिए चोरी चोरी होती है, एक आपके कैरेक्टर पे दाग लग जाता है। तो सेम सिनेरियो है कि यहाँ पर जिस वजह से पेनल्टी लगाई गई है वो सही वजह नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे द पेनल्टी हैज़ बीन इम्पोज फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द नॉन कंप्लायंस विद द सर्टन प्रोविजन ऑफ द डायरेक्शन इशूड बाय द RBI। यानी कि RBI ने कुछ नॉर्म्स, कुछ पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन जो जारी किए थे उसको इन्होंने फॉलो नहीं करा है, जिसके बेसिस पे ये पेनल्टी लगाई गई है। तो ये एथिकल नॉर्म, बिजनेस एथिक्स की अगर आप बात करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सही चीज़ नहीं है। बात पैसे की नहीं है, बात एथिकल इश्यूज की है। इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कॉरपोरेट गवर्नेंस पे, तो इसीलिए स्टॉक में आपको प्रेशर देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म के लिए आपको प्रेशर देखने को मिलता रहेगा, तो इसीलिए आप फोकस भी करते रहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रोविजन कुछ थे इसके बेसिस पे ही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है प्रेशर। तो ये चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट है आप लेवल क्या रहेंगे। तो लेवल देखिएगा, अब इसके बाद जो बेस सपोर्ट है अगर देखिएगा स्टॉक का, जो बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है वो 700 रुपये का है। इसके स्टॉक अगर ऊपर नहीं आता है तो इन पर्टिकुलर जोन में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इन पर्टिकुलर जोन में स्टॉक शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। जब तक कि कोई भी पर्टिकुलर अपडेट नहीं आती, कोई पॉजिटिव अपडेट नहीं आती, या फिर कोई वॉल्यूम अप नहीं होते, इस तरीके के वॉल्यूम जब अप होते हैं तभी आपको बढ़िया बैंक में मूवमेंट देखने को मिलेगा, अदरवाइज नॉट। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इन लेवल्स पे फोकस करिए। फर्दर कोई भी अपडेट आएगा तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।